कैसे हो बच्चों? आज क्लास 12 से फिजिक्स में पढ़ रहे हैं आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता है क्या है, क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगर किसी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं टॉर्क बता चुका हूँ, उसमें टॉर्क आपने क्या निकाला था, P क्रॉस E या P E साइन थीटा। ठीक है, जब आपने रखा था व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस सम टॉर्क व्हिच इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू P E साइन थीटा। इतनी बातें मैंने आपको बताया। ठीक है, आज मैं इसी के आगे वो चक्रवर्तन का रीमेनिंग पार्ट था, आज चैप्टर 2 का ये वाला पार्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो। ठीक, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे आसान है, डेरिवेशन कुछ भी नहीं। ठीक, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें पहले मैं क्या करूँगा, एक डाइपोल को प्लेस कर दूंगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल का डिस्टेंस कितना होता है, यूनी यहाँ से यहाँ तक, और इस ओरिजिन से ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, डी। ठीक है, तो जब किसी डाइपोल को हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो, यानी नो ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, लेकिन क्या होता है, क्या टॉर्क जीरो होता है, तो सवाल है नहीं, टॉर्क आपका जीरो नहीं होता है, देयर इज सम टॉर्क। ठीक है, क्या होता है, कुछ टॉर्क होता है इसमें। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है, रोटेट करता है। क्यों और टॉर्क होता है, मैंने बताया था, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आर देयर बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम, दैट्स बिकॉज ऑफ दैट वो क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क की वजह से एक फोर्स इधर की तरफ चल रहा है, एफ प्लस क्यू पे कितना लग रहा है, क्यू इंटू ई, एक फोर्स इधर माइनस वाले पे लग रहा है, एफ माइनस क्यू बराबर क्यू इंटू ई। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, एक नेट टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, नेट टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, टॉर्क के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, कितना लाए थे, टाउ इज इक्वल टू ई क्रॉस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से बताइए, टाउ बराबर क्या लिखा था, पी ई साइन थीटा, ये वेक्टर फॉर्म में, ये स्केलर फॉर्म में, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये बॉगडन कहाँ से स्टोर करेगा, तो बॉगडन ए पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से स्टोर करेगा, तो जो बॉगडन होगा रोटेट करने में जो बॉगडन होगा वही तो स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन जरा याद करो, मुझे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, माइनस बॉगडन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। जब ये पहला है, दूसरे चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ा था तब भी ये बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही इसके बराबर है, डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क यानी एक्सटर्नल एजेंसी जो आपने काम किया, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, अब क्या पढ़ना है आपको, आपको पता है कि वर्कडन क्या होता है, वर्कडन देखो क्या होता है, वर्कडन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्कडन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, बॉगडन वाले में एक्सटर्नल एजेंट निकाल लें, तो आप बोलोगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क की वजह से, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स में एंगुलर जब मैं पढ़ाया था इलेवन का, तो फोर्स की जगह पर क्या यूज करते हैं, टॉर्क, एंगुलर ट्विस्ट जिसे कहा जाता है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या यूज करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो अब जहाँ हम बॉगडन निकालेंगे वहाँ किससे निकालेंगे, टाउ इंटू थीटा से। इतनी बातें आप मेमोराइज कीजिए, लिखिए, फिर बताता हूँ मैं तब तक देख लूँ कैमरे में सारी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा, कैमरे में मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब पढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक, मान लिया कि ये डाइपोल कहाँ पर है, ठीक है, या तो सेंटर से हो या कहीं से हो, कोई दिक्कत नहीं, ये कितने एंगल्स है, थीटा वाला है। ठीक है, यानी डाइपोल और डाइपोल मोमेंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, इनिशियल एंगल थीटा वाला, ये मैंने बताया। ठीक है,
तरफ भागना चाहेगा, यानी टॉर्क की वजह से ये किधर जाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहेगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं हम इसके अपोजिट काम कराएंगे। ठीक है, हम इसके अपोजिट काम कराएंगे, तभी तो ये निकालेंगे कि डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई साहब इसको हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, और मान लो कि यहाँ पर लाना चाह रहा है, ये वाली एंगल कितना हो जाएगी, थीटा 2। सो वी आर रोटेटिंग अवर डाइपोल, जो फोर्स एक लग रहा है उसके अपोजिट हम फोर्स लगा रहे हैं, टू रोटेट द डाइपोल इन क्लॉकवाइज, टू रोटेट द डाइपोल इन क्लॉकवाइज फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। थीटा 1 पे जाना चाह रहा था, हमने क्या बोला, तो थीटा 2 पे चलो, हम तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क डन तुम्हारे अगेंस्ट करेंगे, और यही वर्क डन कैसे स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात है, आप थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है इसलिए, तब तक आप लोग देखो मैं इरेज करता हूँ इसे। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसी पे छोड़ूंगा, इम्पोर्टेंट है इसको हटा दे रहा हूँ, ये सब बातें आपको। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन होगा सर, आप बोलोगे सर इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स, एक्स वन से एक्स टू, क्योंकि फोर्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और ये डी एक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आप देखो तो ये एफ डी एक्स तो लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, टाउ डॉट डी थीटा, थीटा वन से थीटा टू लिखेंगे, बोलो बोलो, हाँ, तो टॉप डी थीटा, थीटा वन से थीटा टू, ये देखो एफ की जगह टाउ, डी एक्स की जगह डी थीटा, और एक्स वन एक्स टू की जगह थीटा वन थीटा टू, तो थीटा वन थीटा टू वेरिएबल है, तो यहाँ पर वेरिएबल फोर्स हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे हम क्या, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करोगे, बोलो इंटीग्रेट किया जाए, चलिए साहब इसको इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रल ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2, टाउ के जगह क्या यूज करेंगे, पी ई साइन थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत, इसका आपको पता होगा। अच्छा, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, सो वी कैन टेक इट आउट, कैसे हो जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 पी ई बाहर आ गया, इंटीग्रल में क्या हो गया, साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रल क्या होता है साइन थीटा का, ये सब तो तुम्हें याद आना चाहिए या मैथमेटिक्स में आपको आनी चाहिए। तो देखो कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, अगर भूल गए हो तो कॉस होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन, यानी जब यहाँ साइन थीटा आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, यानी यार इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी माइनस कॉस थीटा इंटीग्रल के बाद, और लिमिट क्या हो जाएगी, थीटा वन से थीटा टू, बोलो कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे फिर रेज करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा आगे की तरफ। अच्छा, ओके, रेज कर दो, क्योंकि आपको ज़्यादा यूज हमारा नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक, ये किसके बराबर है भाई, ये वर्क डन के आपके बराबर है। ठीक है, तो वर्क डन का कितना हो गया, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी ई, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा। मैंने बोला था कि यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज नहीं होती है। थीटा वन से थीटा टू में जो आपने एक्सटर्नल वर्क डन किया वो इस डाइपोल की किस वजह से स्टोर हुआ, वो इस फॉर्म में स्टोर हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में, वही बराबर किसके होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वही हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, बोलो कोई दिक्कत है भाई साहब, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो ये कैसे हो जाएगा, आप यहाँ पर ऐसे तो डिफाइन कर नहीं सकते हैं, तो जैसे वहाँ पर रखे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या लेते थे, बी एट इन्फिनिटी जीरो ले लेते थे, इसमें कोई एक को ले लेते हैं हम, क्या ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे अपने आसानी के लिए। ठीक है, तो हम कह रहे हैं लेट से, ये बस बोल रहे हैं लेट से थीटा वन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्यों, तो ये वाली वैल्यू
पोटेंशियल एट थीटा 1 शुड बी आल्सो इक्वल्स टू 0। ये आंसर है, जैसे वहां पर इंफिनिटी पे बोल देते थे 0, यहां पर थीटा 1 पे क्या बोल दे रहे हैं 0, यानी इस कंडीशन में तुम्हें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। ऐसा नहीं मानेंगे तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं बन पाएगी। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, u थीटा 2 बराबर माइनस pe cos थीटा आ जाएगा। बोलिए सब लोग, बोलो। अच्छा, अगर यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म में लिखे हम जनरल इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, u थीटा एट एनी थीटा शुड बी इक्वल्स टू माइनस pe cos थीटा। अब जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, एक दो न्यूमेरिकल बाद में करा दूंगा, आसानी से आप कर लोगे। सो दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा ऑफ डाइपोल इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, पी डॉट ई लिख सकते हैं इसे या पी cos थीटा। थैंक यू सो मच।